हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त मोनिका आज आपके सामने इन फूलों का यूज बताना सिखाऊंगी। ये फूल मैंने आपको पहले भी वीडियो में बनाना सिखाया है, तो आज मैं इन्हीं का ही उपयोग करके बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 6 टुकड़े ले लिए हैं, ये मैंने 6 टुकड़े ले लिए हैं, और ये मेरी 8 पट्टियां हैं जिसकी 2 इंच चौड़ाई है और 9 इंच की इसकी लंबाई है। ये मैंने 3 पट्टियाँ ली हैं जो 2 इंच की इनकी चौड़ाई है और 30 इंच की इनकी लंबाई है। तो पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले मैं इनको सेट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन पट्टियों को आपस में सेट कर लिया है। अब मैं इनको बारी बारी आपको सिल के दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो पट्टी है, इस पट्टी को हम ऐसे करेंगे रख कर और ऐसे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम ऐसे पलट देंगे। इसको भी यही करना है, ऐसे पलटेंगे, सिलाई लगाएंगे और इसको पलट देंगे। इस पीस को इसके ऊपर रखेंगे, सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। तो मैं आपको ये लाइन सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ऊपर का कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, इस पट्टी को हम बाद में जोड़ेंगे, और हम पहले ये टुकड़े भी जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ये पट्टी जोड़ना सिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम ऊपर वाली पट्टी लेंगे। यहाँ पर हम इसको रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये पट्टी जोड़ लेती हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर ये वाली पट्टी लेंगे और इसको यहाँ रख कर, यहाँ सिलाई लगा कर इसको ऐसे खोल लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, पहले मैं ये 2 पट्टियाँ जोड़ के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऊपर का कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस नीचे वाले टुकड़ों को इस पे पलट दूँगी और यहाँ से इसमें सिलाई लगा लूँगी। फिर ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर जो मेरी ये एक्स्ट्रा एक और पट्टी रखी है, इसको भी हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ यहाँ सिल कर इसको भी हम पलट देंगे। तो मैं सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसके नीचे एक कपड़ा रखेंगे। तो मैं आपको एक कपड़ा रख के दिखा देती हूँ। ये एक मेरा पुराना कपड़ा है जिसे हम यूज करेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और क्या करेंगे हम, इधर से, इधर से और इधर से हम 3 तरफ़ा सिलाई लगा लेंगे। इसको बराबर बिठा के बिल्कुल 3 तरफ़ा सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिल लिया है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी था वो हमने कट कर लिया है और 1 तरफ़ा हमने खोला हुआ था, जैसे कि मैंने कहा था कि 3 कोनों से सिलना है। तो इसको मैं पलट के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सीधा कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस पर एक बार प्रेस करके और फिर हम इसमें से बीच बीच में से सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई ऐसे लगा देंगे, बीच में 2-3 सिलाई लगा के इसको नीचे वाले कपड़े से अटैच हो जाएगा। नीचे वाला कपड़ा ऊपर वाले कपड़े से अटैच हो जाएगा, तो हम बीच में सिलाई लगा देंगे, बीच बीच में लाइनिंग लाइनिंग पे। आप मैच की रील लगा सकते हैं, मैचिंग मैचिंग से। अगर आप जितना अच्छा, जितना इसको सिलाई करके भरोगे मैचिंग धागे से, उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसमें मैं कुछ लाइनें लगा लूँगी, ऐसे करके कुछ लाइनें मैं लगा लूँगी। अगर लगाने के बाद जब ये लास्ट का ये आएगा फ्रेश, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अंदर से मोड़ देंगे। उनको आपस में दोनों कपड़ों को रख के अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिल के यहाँ से सारा कंप्लीट कर लिया है। इस पे सब पे सिलाई लग चुकी है। मैंने इस ग्रेन ग्रेन पर ही लाइनिंग लगाई है, जिससे ये पूरा नीचे वाले कपड़े ने इसकी सपोर्ट पकड़ ली है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो मैंने ओपन ओपन छोड़ा है, इसको सबसे पहले तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो मैं कट कर लेती हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ से पिनअप करेंगे, इसको हम पिनअप करेंगे,
ये जो है पहले मैं पिनअप कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये पिन लगा ली है, पिनअप से हमने इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, एक सिलाई लगा देंगे। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।